डेंगू के डंक की। दरअसल ग्वालियर में डेंगू का कहर जारी है और एक महिला की डेंगू रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बता दें कि मेडिकल कॉलेज की माइक्रोबायोलॉजी विभाग ने जांच की। अब तक डेंगू के 9 संदिग्ध मरीजों के सैंपल की जांच की गई। जून में अब तक डेंगू के 21 मरीज आ चुके हैं सामने। पिछले कुछ दिनों से देश के कई हिस्से गर्मी की मार झेल रहे थे, लेकिन हाल ही में पड़ी पानी की बूंदों ने सभी को राहत भी दी। आप बता दें कि मानसून की शुरुआत के साथ चिलचिलाती गर्मी से काफी राहत मिलती है, लेकिन ये बारिश का मौसम कई तरह की बीमारियां लेकर आया, जहां डेंगू जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। तो डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कर्ण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कर्ण, एक तरफ मानसून में परिवर्तन, बारिश का दौर भी अब शुरू हो चुका है मध्य प्रदेश में। जैसे ही बारिश शुरू हुई तो ये बारिश नई नई बीमारियां लेकर आई और डेंगू के कई मरीज निकलकर अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं।